अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप उसे देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्लीवलेस कुर्ती कैसे काटते हैं। उसके लिए पहले मैंने सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग बनाई है। ये मैंने इसका नाप बॉटम से लिया है अपने मेजरमेंट के अनुसार और ऊपर से हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये शोल्डर लेंथ लिए, लेकिन स्लीवलेस कुर्ती में शोल्डर लेंथ हमारी नॉर्मल लेंथ से हाफ इंच कम होनी चाहिए। ये हमारी नॉर्मल है तो मैं पहले इसको हाफ इंच कम कर देती हूँ ऐसे बॉटम से, और इसको एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और इनको ऊपर ले जाएंगे हम ऐसे। उसके बाद हम यहाँ से जो नॉर्मल कुर्ती है उसको हम इनर साइड हाफ इंच का मार्क लगाते हैं, लेकिन स्लीवलेस कुर्ती में हम आउटर साइड हाफ इंच का मार्क लगाएंगे। और अब हम यहाँ से अपनी जो नेक लाइन है वो भी हाफ इंच के करीब गिरा देते हैं ऐसे, और अब हम यहाँ से बाहर की तरफ इसकी ऐसे गुलाई करते हैं। मतलब ये जो हमारी ये गुलाई है यही स्लीवलेस कमीज की गुलाई होती है। इसको फ्रंट पार्ट में हम गुलाई नहीं लेते हैं क्योंकि फ्रंट पार्ट में गुलाई लेने से आर्म होल जो है वो बड़ा हो जाता है। बस केवल ये फर्क होता है स्लीवलेस आर्म राउंड की कटिंग का। अब सिंपल इसकी कटिंग कर देंगे और इसका बैक पोर्शन भी इसके ऊपर बैक पोर्शन बैक फैब्रिक पर रख करके इस फैब्रिक को उसकी भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पीस को बैक फैब्रिक पर एडजस्ट करने के बाद अब हम इसकी साइड साइड में कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पीस की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसी लेंथ के अनुसार एडजस्ट करके फ्रंट और बैक पीस की लाइनिंग की कटिंग भी कर देंगे। इसके बाद स्टिचिंग में हम कट स्टिच द्वारा इसकी चारों तरफ की लाइनिंग जोड़ेंगे और उसके बाद मैं इसका गला बनाना बताऊंगी और शोल्डर जॉइन करने के बाद आपको पाइपिंग लगाना भी बताती। लाइनिंग जोड़ने के बाद अब हम इस नेक पोर्शन पे पहले पिनअप करेंगे और नेक से हाफ इंच इनर साइड पे कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम स्मॉल कट्स लगाएंगे हमारे यहीं तक लगने चाहिए और बाद में हम इसको इस प्रकार अंदर फोल्ड करेंगे कट्स को और यहां पर स्टिच देंगे तो ये हमारी नेक तैयार हो जाएगी। ये कंप्लीट करने के बाद और शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैं इसमें पाइपिंग लगाना आपको बताती हूँ। नेक पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम लगभग 2 इंच चौड़ी और ये पट्टी लेंगे और ये पट्टी थोड़ा स्लांट मैनर में कटती है। उसके बाद हम राइट साइड में इस पाइपिंग को, ये जो हमारी पाइपिंग डोरी है ये इस तरफ ऐसे रखेंगे और बिल्कुल इसकी साइड साइड में पहले इसको हम पाइपिंग के साथ
जोड़ लेंगे। ये जोड़ने के बाद आगे मैं प्रोसीड करती हूँ। पाइपिंग जोड़ने के बाद अब हम इसको पाइपिंग को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर्म होल से, जो हमने ये रिसेंटली सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हम एक और स्टिच देंगे इन आर्म होल को जोड़ते हुए। और बीच में जब यहाँ आएंगे तो टिच बटन पट्टी भी मैं आपको लगाना बताऊंगी। अब हम शोल्डर जॉइनिंग वाले पॉइंट पे आ गए हैं। अब ये जो हमारी स्ट्रिप है इसको हम इस तरह से ऑपोजिट साइड में रखेंगे और इस स्टिचिंग के ऊपर इसको इस प्रकार ऐसे रख करके इसको भी सिल देंगे। और ऐसा हम दोनों साइड करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। उसके बाद हम इसमें कर्स लगाएंगे और अब इसको इस प्रकार राइट हैंड साइड ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल इसकी साइड साइड में एक और स्टिच देंगे। कर्स लगाने के बाद मैं इसमें स्टिच देना आपको बताती हूँ। कर्स लगाने के बाद अब हम राइट साइड में जाएंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे और अब हम इसकी साइड साइड में स्टिचिंग देंगे। जब ये स्ट्रिप आएगी तब हम इस स्ट्रिप को भी इस प्रकार अंदर फोल्ड करेंगे और स्टिच देंगे। इसके बाद हम रॉन्ग साइड में जाएंगे और ये जो हमारी रिब स्ट्रिप है इसको हम ऐसे फोल्ड करके एक स्टिच यहाँ पर और देंगे, तो ये हमारी डबल स्टिचिंग आ जाएगी। पाइपिंग लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।